निवर्तमान विधायक श्याम सिंह राणा के समर्थकों के बगावती तेवर। राणा की टिकट कटने से गुस्साए समर्थकों ने फूका सीएम खट्टर का पुतला। आजाद या किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े समर्थक। राणा बोले, पार्टी का फैसला सर्वमान्य। भाजपा से रादौर विधायक रहे श्याम सिंह राणा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर आज समर्थकों ने रादौर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पार्टी हाईकमान व मुख्यमंत्री पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की, जिसके बाद कुछ समर्थकों ने विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला भी फूका। हालांकि इससे पहले बैठक में श्याम सिंह राणा ने सभी समर्थकों को पार्टी के फैसले के साथ चलने का निर्देश दिया, लेकिन समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। समर्थकों ने श्याम सिंह राणा को कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतरने की मांग की। श्याम सिंह राणा के समर्थकों ने कहा कि हाईकमान का ये फैसला और प्रत्याशी करणदेव कंबोज उन्हें कबूल नहीं है। श्याम सिंह राणा से जुड़ा हर कार्यकर्ता करणदेव कंबोज का विरोध करेगा, जिसके बाद वहां प्रत्याशी करणदेव कंबोज के विरोध में भी नारे लगे। वहीं इस बारे में श्याम सिंह राणा का कहना है कि चुनाव केवल पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाता है, जिसके चलते वह कल मुख्यमंत्री से भी चंडीगढ़ में मिले थे, उन्हें भी हमारी चिंता है। समर्थकों के गुस्सा होने पर उन्होंने कहा कि हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी का फैसला उनके लिए सर्वमान्य है। आपको बता दें कि गत दिवस भारतीय जनता पार्टी ने रादौर विधानसभा से बड़ा उलटफेर करते हुए रादौर विधायक श्याम सिंह राणा की टिकट काट दी है, जिसके बाद इंद्री से विधायक व सरकार में मंत्री करणदेव कंबोज को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। करणदेव कंबोज रादौर हल्के के गाँव मंदार के रहने वाले हैं। चुनावी दौर में टिकट घोषणा के बाद भाजपा में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बगावत के ये सुर भाजपा को भारी पड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो आपने देख लिया। चुनाव तो पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाता है। पार्टी मनोहर जी से कलाम मिले थे, अब उनको भी चिंता हमारी ऐसी तो नहीं है, अभी चिंता नहीं है। वो तो हर विधायक की चिंता करते हैं, अब वो जो निर्णय लेंगे उसका तो हम पालन ही करेंगे, लेकिन आज हम सारे कार्यकर्ता बीजेपी के साथ। राज्य चल रही है कि आप कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई? देखिए, जो जोश आता है ना, कोई कोई बात करता है, कोई कोई बात करता है, तो आम चर्चा चलती है। जब कभी नाराजगी होती है तो नाराजगी को कोई ना कोई किसी तरह से तो व्यक्त करेगा, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के हम है, इतने 10 साल से काम किया पार्टी का, तो वो कार्य हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा है जी, पूरे हलके में से ना तो कोई राजपूत जी, ना कोई मुसलमान, ना कोई सैनी कंबोज जी को वोट नहीं देगा, ना बीजेपी को देगा। अगर श्याम सिंह जी आजाद खड़े होते हैं तो पूरे का पूरा रादौर हलका से श्याम सिंह जी को वोट देगा। विरोध क्या जी, सबको पता इंद्रिय में क्या करके आए जी वो, और वही खट्टर की दोनों के मिली भगत हुई यहाँ पर। श्याम सिंह जी पिछले उसमें 32-35 हज़ार से सबसे आगे थे पूरे हरियाणा के अंदर, 37 हज़ार पूरे हरियाणा के अंदर टॉप में थे, फिर भी उनकी टिकट काटी, इस वजह से काटी जी। मारा तो भाई ये फैसला जी, जाल लड़े और पूरी पब्लिक साथ है जी, पूरी पब्लिक वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। मायावती को जिता देंगे, मायावती को जिता देंगे जी, लेकिन बीजेपी को 1% जिताते हैं, 1% भी पूरा विरोध करेंगे। अरे गांव में पुतला फूकेंगे बीजेपी का, ना बढ़न देते।